नमस्कार, मैं हूं आपके साथ नैना और आप देख रहे हैं न्यूज 31 उत्तराखंड। रामनगर से एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है, जहां बेखौफ चोरों ने राधा कृष्ण के मंदिर में ताला तोड़कर हजारों रुपए की नकदी पर हाथ साफ कर दिया। वहीं मंदिर में हुई चोरी से आसपास के इलाके में हड़कंप मच गया है। बहरहाल पुलिस घटना की जानकारी इकट्ठा कर मामले की जांच में जुट गई है। चलिए आपको भी बताते हैं क्या है पूरा मामला। रामनगर के प्रसिद्ध राधा कृष्ण मंदिर में अज्ञात चोरों ने बीती रात ताला तोड़कर हजारों रुपए की नकदी और चांदी के सिक्के चोरी कर लिए, जिससे इलाके में हड़कंप मच गया। इस दौरान सूचना मिलने पर कोतवाल अबुल कलाम ने पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचकर घटनास्थल का मुआयना किया। वहीं पुलिस ने आसपास के लोगों से घटना की जानकारी इकट्ठा कर पास में लगे सीसीटीवी कैमरे की फुटेज खंगालना शुरू कर दिया। दरअसल मंदिर के पुजारी वेद प्रकाश जोशी हर रोज की तरह आज सुबह जब मंदिर पहुंचे तो उन्होंने मंदिर में रखी गोदरेज की अलमारी का सामान बिखरा हुआ देखा, जिसके बाद उन्होंने घटना की जानकारी मंदिर समिति के पदाधिकारियों को दी तो पता चला कि अज्ञात चोरों ने राधा कृष्ण के मंदिर में भगवान के बिस्तर के नीचे रखे पैसे और साथ ही अलमारी का लॉकर तोड़कर रखे चांदी के सिक्के और कुछ नकदी चोरी कर ली। इस दौरान मंदिर के पुजारी ने बताया कि अज्ञात चोरों ने मंदिर में स्थित शिवालय और माता के मंदिर का ताला तोड़कर सारा सामान उलट पुलट कर रखा था, लेकिन चोरों ने इसमें से कोई भी सामान चोरी नहीं किया। वहीं उन्होंने बताया कि चोर शनि मंदिर के गेट का ताला तोड़कर मंदिर के अंदर घुसे थे। इस दौरान मामले में कोतवाल अबुल कलाम ने बताया कि मंदिर समिति की ओर से तहरीर मिलने पर मुकदमा दर्ज किया गया है। फिलहाल पुलिस ने चोरों की तलाश शुरू कर दी है। और बहुत सारे कुछ खाली लिफाफे, कुछ में 10-20-50 रुपए ऐसे थे, तो सारे लिफाफे चोरी हुए हैं। अंदर उधर हमारी एक छोटी सेफ है, उसमें लॉकर है, उसके अंदर जो है पुराने नोट के 10 के, कुछ 5 के, कुछ 1 के, कुछ 50 के वो थे, और पुराने चांदी के सिक्के थे, 2000 के चांदी के नोट थे, वो सब चोरी हुए। कुछ वैसे कैसे रखा हुआ था, लगभग 4000 रुपये। आज सुबह एक सूचना आई थी, मैं भी खुद मौके पर गया था। आज सुबह एक गर्वेश मंदिर है हमारे यहाँ मार्केट में, वहाँ से गुल्लक से कुछ पैसे निकाले हैं 3000 के आसपास। अभी हम लोग वेट कर रहे हैं, कुछ तहरीर नहीं आई है, और जैसी तहरीर आएगी मुकदमा लिखा जाएगा। वैसे हमने खोजबीन और तलाश शुरू कर दी। हर खबर में होगी हमारी नज़र। खबरों से जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।